पाकिस्तान यूएस बायलैटरल रिलेशन ऐसे थे जैसे हर सीढ़ी के ऊपर एक सांप बैठा था, वो थोड़ा सा ऊपर जाता था और दो कदम और नीचे आ जाता था, वो लूडो का खेल। और द न्यू नॉर्मल, फिर उसमें डू मोर, डू दिस, डू दैट, डू मोर। और उत्थे साड़ी लीडरशिप बिसाइड ऑल अदर इशूज ये प्रेशर विदस्टैंड करती रही थ्रू डिफरेंट फेजेज ऑफ लास्ट 20 ईयर्स। जब से खान साहब आए आप देखें उन्होंने पहला काम क्या किया, उन्होंने हर हफ्ते कैबिनेट की मीटिंग 6-6 घंटे की मीटिंग प्रिजाइड कर रहे हैं, जबकि आप नवाज शरीफ की 5 साल की मीटिंग्स का रिकॉर्ड निकाल के देख लें, 2 माह की मीटिंग्स ने भी नवाज शरीफ के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। उसने 8-9 मीटिंग से ज्यादा वो मीटिंग में नहीं बैठा और 5 मिनट का अटेंशन स्पैन नहीं था। तो ऐसे हुक्मरानों ने हमें डुबोया है। ये लीडर वजीरों को ऑन टोज रखता, अगर ऊपर से एक ऑनेस्ट एंड डिटरमिंड लीडर है जो कहता है कि इस फैसले में ये जो तुम फैसला लेके आए हो जिस पे तुम कैबिनेट से ठप्पा लगवाना चाहते हो, इस फैसले में, इस पॉलिसी में, इस डिसीजन में पब्लिक का क्या इंटरेस्ट है, ये है इस लीडर की क्वालिटी। जो उसने पहला फिल्टर ये लगाया है कि मेरे पास ये मत लेके आओ कि एक सेंसेशनल अनाउंसमेंट तुम करवाना चाह रहे हो, टेल मी एंड एक्सप्लेन मी एंड कन्विंस मी कि इसमें व्हाट इज इन इट फॉर द पब्लिक, नॉट व्हाट इज इन इट फॉर मी। डिपार्चर फ्रॉम द तो मैसेज ये होगा और हमारा ये फर्ज बनता है और मुझे फख्र है कि हमने पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी, नॉर्थ अमेरिकन कम्युनिटी ने इतना सेंटीमेंट शो किया है एंड आई एम इंशाल्लाह ताला कॉन्फिडेंट कि इट विल बी एन इवेंट एंड एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। मैंने पार्टी के बहुत सारे जलसे और पाकिस्तान की एक इन्वायरमेंट होती है उसमें हर एंगल से हमने अपने आप को एक्सपोज किया और देखा है। मैं नहीं समझता कि वाशिंगटन में जो हमारा डायस्पोरा लार्जली इकट्ठा हो रहा होगा उसमें कोई 5-10% 15% लोग शायद पाकिस्तान की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते रहे होंगे, बट लार्ज बॉडी में नॉट हैव एक्सपीरियंस कि एक लीडर जब अपने हज़ारों के दरमियान खड़ा होता है तो हर दिल के अंदर से जो उसके लिए प्यार निकलता है वो प्यार एक इलेक्ट्रिकल फील्ड क्रिएट करता है, वो एक अरोमा क्रिएट करता है, वो एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है कि आप खुद ना चाहते हुए भी उसमें स्विम करना शुरू कर देते हैं। और आप वो दिन देखेंगे इंशाल्लाह 21 तारीख को। आई एम डिटरमिन्ड एंड आई एम क्लियर, उसका मतलब ये होगा कि जब प्राइम मिनिस्टर का इस तरह का विजिट होगा तो इस शहर में हर ब्रीफ मॉर्निंग ब्रीफ में ये होगा कि एक लीडर आया है और इस लीडर की एक सपोर्ट विद इन द यूनाइटेड स्टेट्स इन टेंस ऑफ थाउजेंड्स सामने रिफ्लेक्ट हो रही है। वेयर एज इन अ डीसी सिटी और इन मेरीलैंड एंड वर्जीनिया पाकिस्तानी डायस्पोरा के अलावा रेस्ट ऑफ द कंट्री से भी डायस्पोरा इकट्ठा हुआ है, ये बहुत बड़ी एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट होती है। एंड दिस इज़ अ फंक्शनिंग डेमोक्रेसी, इसमें कंग्रीगेशन ऑफ दैट साइज मीन्स अ लॉट। आज तक मैं रेफरेंस नहीं देना चाहूँगा कि न्यूयॉर्क में एक गैदरिंग हुई थी, आज तक एनालिस्ट और राइटर्स जो है उसका रेफरेंस देते रहते हैं, जितनी बड़ी होगी थी वी आर 1/10 ऑफ दैट। मैंने ये कहा है उन दोस्तों को कि 1/10 के हिसाब से आई एम बीटिंग दैट एरिना। इंशाल्लाह ताला इन सितंबर में हम सब न्यूयॉर्क भी चलेंगे और इंशाल्लाह ताला खान साहब उधर भी हजारों की तादाद में दोस्तों के साथ दरमियान में खड़े होंगे। हम उसको भी इंतजामी मामलात को शुरू कर चुके हैं, ही हैज द कमिटमेंट विथ मी कि वो बिल्कुल अवेलेबल होंगे। बट ऑन भूख लगी होनी है मैं मुख्तसर मैं कंक्लूड करूंगा। लास्टली ऑन दैट डे जानी ने आपसे कुछ बातें की हैं, एक तो सीक्रेट सर्विस ने तमाम अरीना को टेक ओवर कर लिया फॉर दैट डे, दैट मींस ऑर्गेनाइजर्स के लिए हमारे लिए आसानी कर दी है उन्होंने, ये उनकी मेहरबानी।
हालांकि ऑफिशियल विजिट का लेवल जो था वो वर्किंग विजिट का ऑफिशियल विजिट है, उसमें स्टैंडर्ड जो है सीक्रेट सर्विस का वो लीडर को प्रोटेक्शन देते हैं और बाकी वेन्यूज एंड रेस्ट ऑफ द थिंग दे डोंट गो। वो हेड ऑफ द स्टेट लेवल विजिट जब ऑफिशियल लेवल वो लेवल होता है तब करते हैं, मगर इन आवर केस आई एम थैंकफुल कि उन्होंने अरीना को कन्वे कर दिया है कि इट वुड बी एस्केलेटेड सिक्योरिटी और मेरी इंटरेक्शंस जो उनके साथ हुए हैं आई एम वेरी कंफर्टेबल दैट दे आर हैंड्स ऑन और अरीना की सिक्योरिटी उनके हवाले। उसके अलावा डीसी पुलिस की अपनी कंटिंजेंट पूरे अरीना को प्रोटेक्ट कर दी है फ्रॉम द डीसी सिटी स्टैंड पॉइंट, एंड उसके अलावा अरीना की अपनी एक मैंडेटरी सिक्योरिटी सिस्टम है दैट इज द थर्ड लेयर ऑफ द फैसिलिटी की सिक्योरिटी होती है, एंड फोर्थ लेयर ऑफ सिक्योरिटी इंशाल्लाह हमारी आप जैसे दोस्त हैं वॉलंटियर्स होंगे जो फाउंटेन्स ऑफ इमोशनल पावर होगा, उसको कोई किसी किस्म की इरेगुलरिटी क्रॉस नहीं कर सकेगी, पेनिट्रेट नहीं कर सकेगी। वी आर कॉग्निसेंट ऑफ दैट and inshallah taala it will be a very good experience family ke sath bachchon ke sath, it will be a picnic and a barbecue kind of a environment, aap aaye participate kare bahar lunch kare streets pe activity hogi and andar serious business hoga effective 4 PM। jo cheeze aapne khayal karna hai मैं एक लिस्ट जो सीक्रेट सर्विस ने दी है हम सोशल वेबसाइट पे डाल देंगे अगले 24 घंटे में, जो चीज़ें डूज एंड डोंट्स जो वो कहते हैं, तो डोंट्स में सेल्फी स्टिक्स कैमरास की इजाज़त नहीं होगी, फ्लैग छोटे से छोटे फ्लैग के साथ भी छोटी सी भी जो स्टिक होती है दैट वुड नॉट बी परमिटेड, नो फूड आइटम फ्रॉम द स्ट्रीट वुड बी अलाउड टू गो थ्रू द स्कैनर, no drinks, no bottles, no liquids in the bags or purses would be allowed। तो थोड़ा सा फैमिली को उस तरीके से ओरिएंट कर देना ज़रूरी होगा क्योंकि फिर वो हमारा फ्लो ऑफ ट्रैफिक वुड बी फैसिलिटेटेड। हमारी कोशिश होगी कि 2 बजे गेट्स खुल जाएं, मगर उसमें भी हम डिपेंडेंट हैं सीक्रेट सर्विस के ऊपर कि उनके मैन पावर उन्होंने इंस्टॉल कब करने हैं, और वो अपनी एक कैलकुलेशन करते होते हैं कि कितने गेट्स होने हैं, कितने गेट्स में कितने मिनट में लोग एक बंदा गुजरता है, ये 20,000 के लिए हमें कितने मैन पावर डिप्लॉय करना है। सो दैट्स देयर थिंग। मैं तफसील में इसलिए जा रहा हूँ कि यू गेट सेंसिटाइज्ड कि वक्त जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होगा इसमें। मैं आपको वसूख से कह रहा हूँ, अगर आपने देर की और देसी काम किया तो हमें ना कहना, आपको एंट्री फिर नहीं मिलेगी। उनका काउंटिंग सिस्टम है वो डिजिटल काउंटिंग, जिस वक्त उसने 20 का क्लिक किया उन्होंने गेट बंद कर दिया। तो जो दोस्त आराम से उठ के तो जोर पढ़ के निकल गया तो उठ ही पढ़ो, करीब आके पढ़ो, लंच करके निकल गया, नो डोंट डू दैट, डोंट टेक द रिस्क। आप उधर पहुंच जाए, पहले पहुंचे, क्यूज बनाए, क्लियर करें। अरीना के अंदर जब आपने देखा ही होगा मोस्ट ऑफ यू कि कॉन्कोर्स है ऑल अराउंड इट, 20-25-30 फुट चौड़ा कॉन्कोर्स ऑल अराउंड दी अरीना है, अंदर इंडोर, उसमें भी सोडा ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड स्नैक्स वगैरह अवेलेबल होंगे, वो ऑल अराउंड दी अरीना वो सेल करते हैं। तो 4 घंटे के लिए बता जब होता ना भी खाए तो खैर है, टाइम गुजारे हो जाता है। सो देर विल बी दैट एक्टिविटी, मगर आपको यकीनन वक्त से पहले आए, अपनी जगहों पे बैठे, इट्स एन ओपन सीटिंग, देयर वुड बी सर्टन एरियाज व्हिच विल बी रिस्ट्रिक्टेड, जिनको जो है फॉर सर्टन पर्पसेस जो है वो रोका जाएगा, वो सिक्योरिटी डिटेल के पास पूरा मैप है, हमारे वॉलंटियर्स उधर मौजूद होंगे आपको फैसिलिटेट करने के लिए, एंड इंशाल्लाह ताला वी वुड हैव आवर प्राइम मिनिस्टर अमंग अस विदिन दी आवर, 4 तक हम प्रोग्राम शुरू कर देंगे, विदिन दी आवर प्राइम मिनिस्टर साहब इंशाल्लाह आएंगे, और आई होप एंड प्रे कि आप सबको आपका एफर्ट, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस, उनको तशफी और तसल्ली हो
और जब आपको अगली इम्कान दें तो आप उसमें भी जॉब दर जॉब शामिल हो। आई थैंक यू वेरी मच। कोई सवाल है तो आई एम अवेलेबल फॉर दैट। थैंक यू।